को। ये भाई क्या आपका बच्चा रो रहा है क्या? ओहो हो हो ये देख सकते हैं आप। ओए बचाओ ये भाई देखे फुल जेंजस माहौल है। ये देखे आप ओहो हो भाई जिन भूत आपको कच्चा खा जाएंगे बहुत ही खतरनाक माहौल है। आप देखे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मौजूद है खारादर के एरिया ठावर के करीब और हम आज आपको एक ऐसा कैफे बताएंगे जो पाकिस्तान का दूसरा कैफे है ओरर कैफे और आपने इससे पहले देखा होगा मोहम्मद अली सोसाइटी में कैफे और लेकिन ये बना है ऑल सिटी एरिया में बहुत ही डरावना कैफे जिसे देख के आप एंटरटेन भी होंगे खौफजदा भी होंगे और यहाँ पर आपको यूनिक चीज़ें मिलेंगे इससे पहले आपने ऐसा कैफे नहीं देखा होगा। और ये आपको ये कैफे खुला है ओल्ड सिटी एरिया खारा धरना इसके करीब ही जलानी सेंटर मौजूद है और टावर करीब है और बहुत ही मशहूर मस्जिद है उकाई मेमन और जलानी सेंटर कोई तारुफ का मेहताज नहीं है जो मोबाइल सेंटर इसी गली में ये आपको ओरर कैफे मिलेगा। इस पूरे कैफे का आपको आज एक्सप्लोर कराएंगे जिन भूतियों और देव वगैरह से आपकी मुलाकात कराएंगे और अंदर खाने का मेन्यू भी पूछेंगे सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देगा ताकि आपको ऐसा ओरर कैफे देखने के मिले तो आइए मेरे साथ। ये देखिए आप जब इंटर होएंगे तो ये दो बच्चे और ये जिन भूत आपको इस्तकबाल पे खड़ा हुआ और स्टार्टिंग में ही आपको ये देखे ये मिलेगा आपको भूत जो है आपका इस्तकबाल के लिए बैठा हुआ है मेन्यू लेके और ये हमारे सलमान भाई है यहाँ के ओनर है ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। और ये एहसन भाई है ये एहसन भाई के कजन है एहसन भाई ने हमें कहा कि यहाँ पे ओरर कैफे बना हुआ है तो हमने कहा कि अपने गाइस से भी ये चीज को शो करा है अपने गाइस के आगे और इस कैफे को एक्सप्लोर करें। हनुमान भाई क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये एहसन भाई का शुक्र गुजार हूँ ये मेरे अपने भाई हैं इन्होंने मेरे लिए बहुत खास सबसे बड़ी वीडियो चलाना बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को पता चलना वीडियो से ही पता चलेगा तो एहसन भाई का शुक्र गुजार हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके करीबी मोहल्ले में मैंने बहुत ही अच्छी इंजॉय वाली एक जगह खोली है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है मेरे बाबू ने खाना खाया था। खास नाम मैंने क्यों रखा है ये भी मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाली है तो मुझे हर वक्त पूछती है कि खाना खाया कि नहीं खाया तो ये नाम इस तरीके से मैंने चलाया कि मेरे बाबू ने खाना खाया तो उसकी भी याद में तकरीबन नाम चलता गया। अच्छा नीचे हॉरर कैफे मैंने किया हुआ ये हॉरर कैफे यहाँ पे फैमिली आए इन्जॉय कर रहे हैं अपना। अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ 2000 का बिल बना है या 3000 का बिल बना है यहाँ पे पूरी फैमिली 500 का भी बिल बना के जाती है और रिलैक्स होकर खाना खा के जाती है सबसे 500 रुपये में भी यहाँ पे इन्जॉय और खाना खा के जाती है आएंगे तो ये देखिए बिल्कुल जिन भूत यहाँ पे लटके हुए जैसे कि हॉरर फिल्मों में होता है ये देखिए जिस तरह ढांचा है ये सारे मेन्यू लगे हुए ये क्या है सर? जैसे कि एक कमल के अंदर ये देखिए बिल्कुल फिल्मों वाला सीन है भाई बिल्कुल फिल्मों वाला सीन ये आप देखे आप बिल्कुल फिल्मों वाला सीन ये देखे ये क्या
इधर दिखाना जरा शिरोज भाई, ये देख सकते हैं आप अंदर आग वगैरह है, खतरनाक चीज, और साउंड भी बहुत ही जबरदस्त। और ये देखे एक छोटा भूत यहाँ पर मौजूद है, क्या हाल चाल है? ओहो हो, और खतरनाक भूत है भाई, ओए हो यार। और मजे में हो, टाइट हो, ऊपर चल के विजिट करें जरा, जरा ऊपर का भी मेन्यू देखते हैं। ऊपर फैमिली रूम है गाइस, ये बहुत ही यूनिक और डरावना लग रहा है, आइए ऊपर का विजिट करते हैं, देखते हैं तो ऊपर का क्या माहौल है, यहाँ तो बहुत ही डेंजरस है, आइए। ये देख सकते हैं आप, बचाओ ये भाई, देखे फुल डेंजरस माहौल है, ये देखे आप, ओहो हो भाई, जिन भूत आपको कच्चा खा जाएंगे, बहुत ही खतरनाक माहौल है। आप ऊपर जाने का कितना पैसा दोगे भाई? भाई यहाँ पर आए तो थोड़ा सा दिल ताम कर आए, एंटरटेन, क्योंकि ये आपको कच्चा खा सकते हैं और काट भी सकते हैं, आपको फुल एंटरटेन और हौसला बढ़ाना होगा। ये देखे तलवारें भी इनके पास है भाई, ऊपर आने का कितना पैसा लोगे? ये ऊपर आने नहीं दे रहा भाई, फुल इंग्लिश, भाई डांसिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया, पर जो है ये आपको खाली टेबल इसलिए नजर आ रही है कि ये टाइमिंग इनके ऑन होने का नहीं है, इनकी टाइमिंग 4 बजे से और हम आए 2 बजे, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी, व्लॉग बनाना था, यहाँ की एक वीडियो बनानी थी, तो हमने सोचा एक ऐसे टाइम पे जाए ताकि इनके कस्टमर भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी वीडियो अच्छी सी बन जाए। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिन भूतियों वाला माहौल है, आप अगर यूनिक चीजें चाहते हो तो आपके करीब ही है ऑल सिटी एरिया में। और सलमान भाई कैसे ख्याल आया ये हॉरर कैफे खोलने का? बस एक चलते चलते एक माहौल मैंने देखा कि खारादर के इलाके, एक नयाबाद के इलाके में भी एक ऐसा माहौल आना चाहिए कि यहाँ की भी आवाम एंजॉय करे। अब वहाँ पे आपने देखा एक तारिक रोड पे जो बनाया हुआ है एक हॉरर कैफे, जो बनाया हुआ है कबाब की हॉरर कैफे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं जहाँ उनका दिल होता है एंटरटेनमेंट करे, लेकिन वो नहीं जा सकते, महंगा है वो, थोड़ा बहुत ही ज्यादा महंगा है। मेरे यहाँ पर आए, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, छोटी से छोटी कैटेगरी वाला भी यहाँ आके बैठता है, बड़ी से बड़ी कैटेगरी वाला भी यहाँ भी आकर बैठता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के भी मेरे कुछ रूम बुक किए हैं, फैमिली रूम सारे बुक किए हुए हैं, तो ऐसे फैमिलियाँ बहुत से नंबर भी मेरे बुक करवा लेती है, मेरे कार्ड में नंबर शो है तो उस पर भी फैमिलियाँ बुक। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग मेरी 4 से लेकर रात 2 बजे तक है। अच्छा, फैमिली वगैरह आती है, कितना टाइम हो गया खुले हुए? ये तकरीबन अभी आज मेरे को हुए हैं 5 दिन, 5 दिन, 5 से 6 दिन संडे से ओपनिंग स्टार्ट है, सैटरडे मेरा, सैटरडे से मतलब ऑन हो गया, सैटरडे समझो कल मेरा बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फैमिलियाँ जब देखेंगी यहाँ पर आएंगी एंटरटेनमेंट करेंगी तो दोबारा भी 4 जानों को फैमिलियों को बोलेंगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद ही अच्छा रखता हूँ कि अच्छा ही होगा। नयाबाद खारद और ये एरिया के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, करीबी मोहल्ले में, करीबी। और ये आपने यहाँ पे हॉरर जो है बंदे वगैरह भी रखे हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत अच्छी चीज रखी हुई। खाने में क्या क्या है सर? खाने में मेरे पास सब मेन्यू कार्ड में है, मेरे पास देखिए फ्राइज से लेकर पिज्जा, फ्राइज से लेकर पिज्जा फ्राइज है, मटका फ्राइज है। अच्छा, ज्यादा स्पेशली हमारे जो है ना मटका फ्राइज चल रहे हैं यहाँ पे, मटका पिज्जा फ्राइज वगैरह मटके के अंदर। मटका फ्राइज के में जरा प्राइस मटका प्राइस कम से कम 100 रुपीज से लेकर स्टार्ट है, और तकरीबन 100 रुपए में आपको मटका प्राइस, वो भी हॉरर कैफे में। इम्पॉसिबल है आप कहीं भी चले जाए हॉरर कैफे में, आपको पहले तो कोई भी अच्छे वीआईपी ऐसे यूनिक कैफे में आपको 100 रुपए में मटका प्राइस नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर हॉरर कैफे और यूनिक कैफे, और अंदर आएंगे तो माहौल ही चेंज मिलेगा, क्योंकि बहुत से होते हैं कि चेंज चाहते हैं जिंदगी में, चेंज मुनफरद चीजें चाहते, यूनिक चीजें चाहते, तो ये हॉरर कैफे इसलिए बनाया ताकि बच्चे भी इंटरटेन हो, थोड़ा सा खौफ तो होता है लेकिन हम अंदर आएंगे तो आप बिल्कुल वो हो जाएंगे, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आप माहौल देखेंगे तो इसमें एडजस्ट कर जाएंगे। तो एक्सप्लोर करते सर, ये आप देख सकते हैं कि जिन भूतों,
जिन बूतों वाला साउंड स्टार्ट हो चुका और कुछ देर में यहाँ पे ये देखे, ये देखिए करा दिया भाई, ये देखे, ये देखे, और बहुत ही अच्छा, मतलब फैमिली को रिलैक्स है यहाँ पर, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी, अपनी फैमिली अपनी जगह पे खा रही है, एंजॉय कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए थे, बहुत सी सेल्फियां बना रहे थे, फैमिलियां सेल्फियां बना रही थी, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, उनको बहुत मजा आया। उनका मैंने बाहर निकलने के बाद कमेंट दिया तो उनको बहुत मजा आया। ये बात भी है, अगर आप टिकटॉक के शौकीन हो और आप अगर स्नैक वीडियो वगैरह चलाते हो तो ये चीजें बड़ी यूनिक और चलेगी, क्योंकि आप अगर इधर एक छोटी शॉर्ट वीडियो वगैरह भी बनाएंगे तो ये यूनिक चीजें चलती है शॉर्ट वीडियो, तो उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है टिकटॉक वाला चीज़। आप खाना का एंजॉय करें, व्लॉग बनाएं, टिकटॉक बनाएं और भेज दे, आप पब्लिश करें अपनी वीडियो को। और ये चीजें ये देखे, ये सारे अल्लाह माफ करे, पेटियां वेटियां खतरनाक किस्म के लगे। ये देखे भाई, ये भाई क्या आपका बच्चा रो रहा है क्या? ओहो, भाई बच्चों को सीधा कराना है तो ये देख ले, हाय हाय। डर भी लगा, काफी डर हो, मैंने देखा। क्या पी रहा हूँ? लिमका। जबरदस्त, कैसा लगा आपको? मजा आया तो गाइज मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर आपको कम पैसों में और अच्छा हॉरर कैफे चाहिए तो आप यहाँ ऑल सिटी एरिया में आ जाए। जिलानी सेंटर काफ़ी मशहूर है, हमारे सलमान भाई है, ये एहसन भाई के कज़न है, इन्होंने काफ़ी ख़र्चा किया है और बहुत अच्छा माहौल है, और हम ऐसे टाइम पे हम ये व्लॉग बना रहे हैं ताकि यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन फैमिलीज वगैरह माशाल्लाह इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आके विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, कम पैसों में और आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जिन बूतों से हमें मिलवाया और अपने हॉरर कैफ़े का हमें विज़िट कराया, और ये हमारे एहसन भाई है, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक हॉरर कैफ़े खुला है हमारे कज़न का, तो इनका भी काफ़ी शुक्रिया। और गाइस अगर आज की उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्त आसिम मोबाइल न्यूज़ 1 वाले को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक अपने दोस्त आसिफ और इन जिन बुतों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।